एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेस्टिंग आउट सम फूड हैक्स। आज हम लोग स्पेशली टेस्ट आउट करने वाले हैं वॉफल मेकर हैक्स। नाउ अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप देख लेना, बट आई एम हियर विद द पार्ट टू फाइनली बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद। एंड मैंने आज बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग हैक्स ढूंढे आप लोगों के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज देखते रहो। पर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इंडिया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो गाइस। फॉर द फर्स्ट हैक वी नीड सम डोनट्स, तो मैंने ये फ्रेश डोनट्स मंगाए हैं एंड क्लासिक डोनट दिखाए थे उन्होंने वीडियो में, तो मैंने भी क्लासिक वाला ही लिया है। एंड व्हाट शी डज इज कि इसको हाफ में कट करती है, शी जस्ट पुट्स दिस इन द वॉफल मेकर और उसके बाद आई डोंट नो क्या डिफरेंट हो जाएगा डोनट में, प्रिटी श्योर कुछ तो डिफरेंस इसके टेक्सचर में आएगा। सो लेट्स फाइंड आउट। हमारा जो ये वॉफल मेकर है बहुत छोटा है, ऑनेस्टली डोनट के साइज का ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि डोनट को हाफ में भी ना कट करूँ, पूरा एज इट इज इसके अंदर पिचका के देखती हूँ एंड लेट्स सी कैसा होता है। चक चुका है और वॉफल ही लग रहा है यार। इसको मैं निकालती हूँ, बहुत गर्म है। मैं थोड़ा सा मजाक तो उड़ा रही थी, पर जब ये बन के आया ना डोनट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। देखो ये कितना पिचक गया है और ये बहुत क्रिस्पी हो गया है और इसका टेक्सचर एकदम प्रॉपर वॉफल जैसा हो गया है। अगर किसी को कभी उल्लू बनाना हो ना कि घर पे मैंने वॉफल्स बनाए हैं, तो आप ऐसे डोनट को पिचका के दिखा देना उन्हें, बस इस छेद को ढक देना किसी चीज से। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पर यार मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी तक। इसको खा के देखती हूँ, टेस्ट तो अच्छा ही होना है वैसे, पर फिर भी ऑनेस्टली जिन जिन को भी थोड़ी क्रंची और क्रिस्पी चीज़ें अच्छी लगती है ना मेरी तरह, उन्हें ये हैक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे डोनट्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जब इनको माइक्रोवेव में भी गर्म करते हैं ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। बट इसमें गर्म करने का फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत ही इसमें क्रिस्पी सा टेक्स्चर आ गया है, विच आई लव, मुझे अच्छा लगा ये। शायद मैं बाद में भी कभी ये हैक करूँ और ऐसे ही डोनट्स खाऊँ, तो मुझे अच्छा लगा। आई एम गोना रेट दिस एन 8 out of 10। नेक्स्ट हैक, हम अगेन कुछ बहुत ही स्वीट सा और डेजर्ट टाइप का डिश बना रहे हैं। तो इसमें उन्होंने दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, फर्स्टली इसमें चॉकलेट ऐसे डाला है, उसके ऊपर मार्शमेलो और उसके ऊपर अगेन वो ब्रेड का स्लाइस, और उसको वॉफल मेकर में बना लिया है। एंड आई डोंट नो व्हाई ये थोड़ा स्मोर्स जैसा लगेगा, समथिंग यू नो चॉकलेट और मार्शमेलो जब भी ऐसे मिक्स होता है तो स्मोर्स की याद आती है। सो लेट्स सी हाउ दिस इज, मैंने कभी ऐसा कुछ पहले नहीं बनाया है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। मार्शमेलो लीक कर रहा है, चॉकलेट मेल्ट हो गई है, यहाँ भी लग गया है सब। इसको मैं बस निकाल लेती हूँ और किसी तरह इसको टेस्ट करते हैं। वीडियो में उनका तो ऐसा बिल्कुल नहीं टूटा था, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, पर हमारा ये सैंडविच थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया यार। चॉकलेट और मार्शमेलो वाला सैंडविच रेडी तो हो गया है, थोड़ा टूटा फूटा सा है, डोंट माइंड दैट। आई थिंक कि मेरे पास ब्राउन ब्रेड था ना, तो उसकी वजह से हो सकता है ये थोड़ा सॉफ्ट रहा तो इसलिए टूट गया हो, या मैंने शायद ओवर बेक कर दिया, आई डोंट नो। बट ठीक है, अभी भी ये देख रहे हो मार्शमेलो कितना फ्लफी सा हो गया है। लेट्स सी ये कैसा लगता है। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है मोज़रेला चीज़ है, पर नहीं, दिस इज़ मार्शमेलो। एंड मार्शमेलो और किस किस को पसंद है मुझे बताना कमेंट्स में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बचपन से ना बहुत खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कॉटन खा रहे हैं फॉर सम रीज़न। बट यस, अभी ये डिश मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, अगर ये अच्छा रहा एक्सपेरिमेंट तो मैं इसको और बनाऊँगी, इसको खा के देखती हूँ। देखो ऑनेस्टली मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा ऐसे यू नो
बुराई नहीं कर सकती किसी डेजर्ट की। हाँ, इसमें मार्शमेलो है, चॉकलेट का फ्लेवर है, वो बटरी ब्रेड का टेस्ट आ रहा है, तो ये टेस्टी तो है, पर जिसको बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद ना वो मत खाना इसको, क्योंकि है तो ये काफ़ी ज़्यादा मीठा। एंड दिस वॉज अ वेरी क्लेवर वे, पर इसको आप गर्म गर्म ही खा लेना, नहीं तो उसके बाद ये देख रहे हो आप इतना स्टिकी स्टिकी होता रहेगा, आपकी प्लेट से ही चिपक जाएगा ये देखो तो इसको मैं रेट करने वाली हूँ 6/10। सो गाइस, फाइनली मूविंग ऑन टू आवर थर्ड हैक, एंड इसमें वी नीड स्किटल्स एंड आइसक्रीम स्टिक। मेरे पास ये वुडन स्पून है तो मैं इससे ही करूँगी, बट द थिंग इज कि इस हैक के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मैंने बहुत बार देखा है पर मुझे पता नहीं क्यों इस पर ट्रस्ट नहीं होता है, इस हैक पर मुझे लगता है ये डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा एंड मेरा ये पैक ऑफ स्किटल्स वेस्ट ना चले जाए, पर अगर ये वर्क करा तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंट कैंडी बन जाएगा। ये फिर किसी को भी यू नो प्रेजेंटेशन में किसी डेजर्ट के या किसी गेस्ट को देने में शायद क्यूट लग सकता है। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या ही हो गया यार, मैं सच बताऊं तो स्किटल्स के तो लग गए इस हैक के बाद, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। ये देखो, ओह गॉड, क्या ही एकदम बेवकूफी वाला हैक था, मुझे नहीं पता स्किटल्स भी बर्बाद हो गए। तो इस हैक को आप बिल्कुल मत करना, इसको मैं रेट करूंगी 0/10। गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ हैक, एंड अभी तक हमने जितने भी हैक्स ट्राई आउट किए हैं वो सारे स्वीट थे, डेजर्ट था, बहुत मीठा मीठा हो गया है। लेट्स मेक समथिंग रियली सेवरी एंड चीजी, जो कि मेरा फेवरेट होता है। सो वी आर गोना मेक सम मोज़रेला स्टिक्स या कुछ तो चीजी सा डिश। आप देखो ऐसे उन्होंने चीज क्यूब लिया है, उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग की है और उसको वॉफल मेकर में ऐसे पिचका के बनाया है। नाउ मेरा डाउट ये है कि ये पूरा का पूरा चिपक ना जाए वॉफल मेकर पे, बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि जैसा वीडियो में दिखाया था मैं वैसे ही बनाऊँ। सो लेट्स डू दिस। वॉफल स्नैक तो रेडी हो चुका है, दिस लुक्स काइंड ऑफ जैसा उनके वीडियो में था ना वैसा ही हो गया है। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा टेस्ट में, मुझे वैसे चीज़ वाले स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर यार इसमें वो बात नहीं आ रही, इसमें चीज़ सारा तो बाहर लीक हो गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो ऐसे कुक हो चुका है तो हार्ड हार्ड हो गया है। आई डोंट नो, मैं पहले इसका रिव्यू देने से पहले इसको टेस्ट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। गाइस, ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है तो च्यू करने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। सच में वैसा नहीं लग रहा जैसे मोज़रेला स्टिक होती है, वो डीप फ्राई करो या फिर एयर फ्रायर में बनाओ ना तब वो अच्छा सा क्रिस्पीनेस भी आता है और अंदर से वो चीज़ भी मिलता है, पर अभी ये पूरा एज इट इज़ हार्ड हो गया है तो चीज़ भी कुक हो चुका है। सो आई डोंट थिंक ये मैं कभी वैसे बनाऊंगी और ये आपको रेकमेंड करूंगी, तो इस वाले हैक को आई एम जस्ट गोना रेट अ 4/10। गाइस, कमिंग टू आवर लास्ट हैक, एंड इसमें हमें वापस से मार्शमेलोज चाहिए। तो इसमें लिटरली उन्होंने पता नहीं क्यों, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्यों, पर उन्होंने वॉफल मेकर में कुछ मार्शमेलोज डाल के उसको बनाया है। एंड में भी उनका ऐसा कुछ अलग से निकल के नहीं आया, वो स्टिकी स्टिकी गूई सा हो गया है, विच आई डोंट नो इसका क्या पर्पस है, पूरा का पूरा तो वॉफल मेकर में ही चिपक गया है। बट लेट्स सी, शायद ये थोड़ा और फ्लफी हो जाए और यम्मी लगे तो इसको बना के देखते हैं। हो चुका है, मेल्ट हो चुका है और ऊपर से ये चार्ज टेक्सचर आ गया है। सो
I'm really happy with that. इसको try करती हूँ मैं निकालने का, अगर निकल पाया तो. अरे वाह, wow. गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ. आपने देखा उनके वीडियो में उनका पूरा चिपक गया था, पर मेरा देखो वॉफल मेकर से निकल भी आया है और इतना प्यारा फ्लफ बन के आया है, एकदम मस्त वाला, एकदम स्ट्रेची है, अच्छे से मार्शमेलो मेल्ट हो गया है और ऊपर से चार्ट भी हो गया है, तो वो चारकोल या वैसा वाला जो बर्न्ट फ्लेवर होता है ना वो भी आएगा, जो बहुत अच्छा लगता है मार्शमेलो में. एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस हैट. इसको टेस्ट करूँ क्या? रुको, मस्त है यार. ये देखो एकदम फ्लफी सा फ्लफ बन के आया है, तो मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ. मुझे सच में नहीं लग रहा था ऐसा होगा, ऐसे माइक्रोवेव में करती हूँ मैं तब जाके होता है, पर यार वॉफल मेकर बहुत ही काम की चीज़ है. एंड आई एम जस्ट गोना हैव दिस मच. सो यस गाइज, दैट वर ऑल द हैक्स दैट आई वॉन्टेड टू टेस्ट आउट टुडे. आई रियली होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा. एंड इनमें से आप कौन सा हैक ट्राई करना चाहते हो वो मुझे कॉमेंट्स में बताना. एंड या गाइज, आपको आगे कैसे वीडियोज देखनी है, कैसी चैलेंजेस देखने हैं वो मुझे बताना. एंड आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको थम्स अप देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. गाइज आप लोग अपना ध्यान रखो, सेफ रहो एंड सारे प्रिकॉशंस लो. एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.